हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोज में बात की थी कि मोस्टली कॉमन पूछे जाने वाले सवाल इंटरव्यू में एक्सेल के ऊपर जो मोस्टली पूछी जाती है सवाल कौन सी है, और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा और सहारा, और साथ में बहुत सारे लोगों ने कमेंट और लाइक भी किया, बहुत ने शेयर भी किया उसको। आज हम बात कर रहे हैं कि वीवीए में मोस्टली इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। जी हाँ, दूसरी सीरीज में जिन्होंने एक्सेल वाले वीडियोज नहीं देखी है, तभी आई बटन पे दिखेगा, आई बटन पे क्लिक करके आप उस चीज को देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं कि वीवीए में मोस्टली पूछे जाने वाली सवाल क्या है, क्या क्वेश्चंस है जो कि इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा पूछते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सारे जो है जिनके वीवीए नॉलेज है वो तो बता देते हैं, और जिनके पास वीवीए नॉलेज नहीं है वो नहीं बता पाते। लेकिन इतना सिंपल है कि जिसके पास वीवीए का नॉलेज नहीं भी है वो भी बता सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक फाइल में कई सारे डेटा शीट्स हैं, कई सारे डेटा शीट्स हैं। मैं इन सारे डेटा शीट को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं। कहां पे? एक नई सीट पे, डेटा सीट पे। यहां मैं इसको डिलीट कर देता हूं, डेटा शीट जरूरत नहीं है। यहां पे हमने दे दिया रिपोर्ट के नाम से, रिपोर्ट शीट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है, विजुअल बेसिक ऑन करना। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो आप अल्ट प्लस F11 यूज करेंगे। जी हाँ, अल्ट प्लस F11 यूज करेंगे तो अलग विंडो में इस तरह का, मैं तो दोनों इकट्ठा रख रखा था कि आप समझ सके देख सके, लेकिन आपको एक अलग नया विंडो खुल के आएगा, इसको बोलते हैं वीवी एडिटर। इसके आप इंसर्ट में जाना है, मॉड्यूल इंसर्ट करना है, तो इस तरह से आपको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इंसर्ट हो जाएगा। अब यहां पे आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है कि सब्जेक्ट, और यहां पे नाम दे दीजिए कि कॉपी डेटा, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही एंड सब ऑटोमेटिक आ जाता है, और जो भी हम प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं इन दोनों के बीच में ही लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लूप लगाएंगे कि 4i = चले 1 2 sheets.count -1। हमने -1 क्यों किया? -1 किया इसलिए क्योंकि हमारा जो है जितने भी शीट है उसमें एक शीट हमारा रिपोर्ट का भी जो उसके सबसे लास्ट में है, इसको लास्ट में रखिएगा, इसलिए हमने -1 किया। और अब जो कोडिंग करेंगे इन दोनों के बीच में करेंगे। यहां पे जाते हैं sheets.i.select, ये क्या करेगा, ये कोड आई मतलब 1 होगा, 1 2 3 4 ऐसे सिक्वेंस बढ़ता जाएगा एक 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 के बाद एक। तो पहले सीट, पहले पोजीशन वाले सीट पे जाएगा, यहां पे आ गया। फिर हम यहां देते हैं कि रेंज a1 डॉट सिलेक्ट नहीं, हम डायरेक्ट डाल देते हैं a1 डॉट करेंट रीजन डॉट, ये क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा। अब सिलेक्ट करा ले या फिर डायरेक्ट कॉपी भी करवा सकते हैं, तो इसको कॉपी कर देगा, तो ये पूरे को कॉपी कर देगा, बिना सिलेक्ट किए ही कॉपी कर लेगा सर, इस तरह से कॉपी कर लेगा। फिर वापस हम आते हैं शीट्स रिपोर्ट, हम बोलते हैं रेंज a65000, ये क्या करेगा, यहां से आपका a65000 पे चला जाएगा कर्सर। फिर हम बोल रहे हैं यहां पे एंड एक्सेलस अप, तो यहां से क्या करेगा, वो कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा, सबसे ऊपर आ जाएगा डॉट एंड नहीं डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेसर, और यहां पे पेस्ट एज ए
तो ये क्या करेगा, इस पे राइट क्लिक, इससे एक नीचे आएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेगा, पेस्ट स्पेशल, और इसमें कर देगा पेस्ट एज ए वैल्यू। इस तरह आप एक अलग से एक ये रख ले, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूं मैं, फिलहाल ये रन दीजिए। हाँ, पेस्ट स्पेशल हो गया, ये हमारा परफॉर्म हो गया। लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि इसकी हेडिंग भी पेस्ट होगा। एक मिनट, ओ सॉरी, कॉपी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पेस्ट हो गया। आप देखिए सबका हेडिंग भी पेस्ट कर रहा है। तो अब देखिए जैसे जहां पे पेस्ट करता है उसका जो हेडिंग वाला कर्सर ही एक्टिवेट होता है। तो यहां पर हम कोड दे देंगे एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, एंटायर रो डॉट डिलीट, सिंपल सा। अब इस कोड को आप रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। तो सारे डेटा को विद इन सेकेंड में से एक हो चाहे एक हजार हो, एक के नीचे कॉपी कर दिया। बस छोटी सी लाइन हमने कोड। अब इसको और ज्यादा समझने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा क्लासेस। हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे वीडियोस सारे मिल जाए सिक्वेंसली एक के नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे पास 5000 से ऊपर वीडियोज है, लेकिन वो सारे सिक्वेंस नहीं है, अनसिक्वेंस है, और साथ में पूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं प्रमोशनल वीडियो ही यूट्यूब पे डालता हूं। तो उस केस में आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। जी हाँ, आपको प्ले स्टोर में जाना है और एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च करना है। और हालांकि मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्पल का भी और एंड्रॉइड का भी दोनों का हमने लिंक पेस्ट कर दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में तीन चीजें हैं, ऐप के बारे में बता दूं एक बार, जिन्होंने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है उनको बता दूं कि मेरे ऐप में जो है सबसे पहले तो जो फ्री स्टडी मटेरियल्स है, बहुत सारे ट्रिकी वीडियोज वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ट्रिकी वीडियोज वगैरह मिलते हैं फ्री स्टडी मटेरियल में। उसके बाद चैट सेक्शन में आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी तरह कुछ पूछना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें हमारा एक एक्सेल एमआईएस का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं वैकेंसीज वगैरह डालते रहता हूँ डेली, एक दो वैकेंसी इसमें हमने डालता है, या इसमें एक दो वैकेंसी है, कल भी मैंने वैकेंसी डाली है कि यहाँ पे जरूरत है, और रिज्यूम इस पे सेव कीजिए। तो इस तरह का वैकेंसीज हमारे पास आते रहती है, तो डेली बेसिस वैकेंसी डालते तो आपको वैकेंसी आएगी, और अच्छे से जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है, वो सब चीज इस पे हम डालते रहते हैं, आपको ही मिलता रहता है। आप और आपकी जो खुद की प्रॉब्लम है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाते हैं, तो स्टोर पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे हम वीवीए की बात करें तो हमारे पास वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए भी हमारा कोर्स है, जिसमें आपका 101 वीडियोज है, तकरीबन 150 तो कंप्लीट कोर्स का है, तकरीबन 60 या 65 घंटे का कोर्स है, जिसकी प्राइस जस्ट 299 है, इसको परचेज कर सकते हैं। या कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स, तो कंप्लीट कोर्स भी आप ले सकते हैं, एक्सेल वीवी एक्सेस सीक्वल, ये भी यहाँ दिया हुआ है, जो कि 291 वीडियोज, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 150 घंटे की ड्यूरेशन है, इसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।